हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी हमारा बहुत ही यूजफुल और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्मार्ट से कॉम्प्लीमेंट, जिनके जरिए फ्रेंड्स हम किसी गर्ल की तारीफ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स उनकी फोटो पर बहुत ही स्मार्ट सा कॉमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमें किसी की फोटो पर कुछ नया कॉमेंट करना होता है तो हमें जल्दी कुछ समझ में ही नहीं आता, और बात हो किसी गर्ल की फोटो पर कमेंट करने की तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कुछ अलग सा कमेंट करना चाहते हैं किसी की खूबसूरती पर, तो आप कर सकते हैं सच अ स्लेयर यू आर। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं या बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स केवल स्लेयर लिखकर ही काम चला सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स स्लेयर का इंग्लिश में मतलब होता है कातिल, हत्यारा, यानी जो किसी को जान से मार दे। लेकिन एज अ स्लैंग वर्ड स्लेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स अच्छा, यानी आकर्षक या खूबसूरत। तो फ्रेंड्स ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी खूबसूरती जो किसी को जान से मार दे। यानी आप जब कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कातिलाना लग रहे हैं, तो उस सेंस में आप ये भी बोल सकते हैं सच अ स्लेयर यू आर, यानी ऐसी खूबसूरती जो किसी का मन मोह ले। अगर फ्रेंड्स आप स्लेयर नहीं बोलना चाहते हैं और आपको किसी को बोलना है कि आप बहुत ही ज़्यादा कातिलाना है, यानी आप बहुत ही ज़्यादा कातिलाना लग रहे हैं या आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस सेंस में आप बोल सकते हैं वंडरफुली किलर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये बोलेंगे यू आर लुकिंग सो किलर तो उतना मजा नहीं आएगा। आप बोल दीजिए वंडरफुली किलर, यानी बहुत ही ज़्यादा कातिलाना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। या आप चाहें तो फ्रेंड्स केवल किलर लिखकर ही अपना काम चला सकते हैं। इसका मतलब होता है कातिलाना, यानी जिसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ये है कि अगर आपको कोई गर्ल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और आप उन्हें ब्यूटीफुल नहीं कहना चाहते, ना ही कमेंट में ब्यूटीफुल लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा है और बहुत ही ज़्यादा पुराना भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही स्मार्ट से न्यू वर्ड्स एंड फ्रेज, जिनके जरिए फ्रेंड्स आप किसी भी लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं वो स्मार्ट वर्ड्स और फ्रेज कौन से हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ये है कि आप ब्यूटीफुल ना बोलकर बोल सकते हैं स्टनर। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आकर्षक और गजब का। वैसे तो फ्रेंड्स आप गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये गर्ल्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो आप चाहे तो केवल स्टनर ही लिख सकते हैं, या आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं यू आर सच अ स्टनर, यानी आप बहुत ही गजब के हैं, यानी आप बहुत ही आकर्षक हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लासी। क्लासी सुनने में भी बहुत ही अच्छा साउंड करता है, और फ्रेंड्स अगर आप किसी को कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। तो फ्रेंड्स क्लासी का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया। अगर कोई गर्ल बहुत ही फैशनेबल है तो उसके लिए भी आप क्लासी का यूज कर सकते हैं, या यू आर क्लासी भी आप बोल सकते हैं या कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं गॉर्जियस। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, या फ्रेंड्स आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हाउ गॉर्जियस, यानी कितना खूबसूरत। जैसे हम लोग बोलते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे ही कितना खूबसूरत यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो हाउ गॉर्जियस या गॉर्जियस। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप एलिगेंट भी लिख सकते हैं। एलिगेंट का मतलब भी होता है सुंदर या खूबसूरत, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलिगेंट पिक। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई बहुत ही प्यारा लग रहा है तो आप उसके लिए एंजेलिक का यूज भी कर सकते हैं। काफ़ी गर्ल्स अपने नाम के आगे एंजल भी लगाती हैं, जैसे एंजल प्रिया, तो आप उनके लिए कमेंट पे लिख दीजिए एंजेलिक, तो शायद उन्हें बहुत ही अच्छा ये कमेंट लगेगा भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
प्रॉपर पटोला। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉपर है वो तो इंग्लिश का है, बट पटोला इंग्लिश का नहीं है, ये एक पंजाबी शब्द है। लेकिन एज अ कॉमेंट ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। फ्रेंड्स पटोला का मतलब होता है खूबसूरत लड़की। अगर आप किसी को कॉमेंट में प्रॉपर पटोला कहते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत लड़की। तो आप चाहें तो इसे भी एज अ कॉमेंट यूज कर सकते हैं, या किसी की तारीफ में भी उन्हें प्रॉपर पटोला कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों ने काफी ज्यादा स्मार्ट वर्ड सीख लिए हैं किसी की तारीफ के लिए। अब आप लोगों को ब्यूटीफुल या नाइस डीपी या नाइस पिक लिखने की जरूरत ही नहीं। काफी लोग तो इतना ज्यादा नाइस डीपी नाइस पिक कमेंट करते हैं कि लगता है जैसे ये राष्ट्रीय कमेंट हो, नाइस डीपी नाइस पिक। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत ज्यादा नाइस लिखने के शौकीन है तो फ्रेंड्स नाइस पिक नाइस डीपी ना लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। नाइस का भी स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने नाइस को कैसे और भी ज्यादा नाइस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी पिक में कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसे ये कमेंट करें कि नाइस डीपी या नाइस पिक। उससे अच्छा है कि आप नाइस लुक लिख सकते हैं या नाइस लुकिंग भी लिख सकते हैं। नाइस मींस होता है अच्छा, लुक मींस होता है दिखना, यानी आप अच्छे दिख रहे हैं। या फ्रेंड्स आपको किसी की स्माइल अच्छी लग रही है तो आप नाइस स्माइल लिख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको उनकी स्माइल अच्छी लग रही है तो वाओ नाइस स्माइल। वाओ का मतलब होता है शानदार यानी गजब का। या फ्रेंड्स आपको किसी के हेयर अच्छे लग रहे हैं तो नाइस हेयर। या फ्रेंड्स आपको किसी की ड्रेस अच्छी लग रही है तो नाइस ड्रेस या नाइस आउटफिट। या फ्रेंड्स आपको किसी के शूज अच्छे लग रहे हैं तो नाइस शूज। और किसी का मेकअप भी अच्छा लग रहा है तो नाइस मेकअप। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से नाइस का काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। और सच मानिए फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं या उनकी पोस्ट के नीचे आप कमेंट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे नाइस स्माइल या नाइस आउटफिट, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब आप किसी की तारीफ करें या उनकी पोस्ट के नीचे कुछ कॉमेंट करें तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी पिक में कोई स्माइल ही नहीं कर रहा है और आप नीचे कमेंट कर रहे हैं वाओ नाइस स्माइल। तो फ्रेंड्स ये देखने में तो बेतुका लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ हो सकता है फ्रेंड्स आप जिन्हें कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लगे। तो इसलिए जब आप कमेंट करें या किसी की तारीफ करें तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए ये छोटा सा कमेंट हो लेकिन आप जिन्हें कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ स्मार्ट फ्रेज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला हमारा स्मार्ट सा फ्रेज है दिस पिक्चर इज लिट। लिट एज अ स्लैंग वर्ड, इसका मतलब होता है बहुत ही बढ़िया या गजब का। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी की फोटो के नीचे ये लिखते हैं दिस पिक्चर इज लिट, तो इसका मतलब होता है आपकी फोटो बहुत ही शानदार और गजब की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिस इज सो डूप। इस फ्रेज का यूज तब आप कर सकते हैं जब आप कोई ऐसी पिक देखें जो आपके सीधे दिल में उतर जाए। वैसे तो फ्रेंड्स डूप का मतलब होता है नशा, कहने का मतलब है आप ये कह रहे हैं कि ये फोटो बहुत ही नशीली है, यानी इतनी नशीली कि जो सीधे दिल में उतर जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप किसी की पोस्ट की तारीफ करने के लिए सच अ चार्मिंग पोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी पोस्ट बहुत ही आकर्षक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर कोई हद से ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे योर ब्यूटी हैज नो बाउंड्रीज या योर ब्यूटी हैज नो लिमिट्स। इन दोनों का ही मतलब होता है कि आपकी खूबसूरती की तो कोई सीमा ही नहीं है, यानी आप हद से ज्यादा खूबसूरत हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यू आर ट्रेंडी। ये आपको देखने में तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा लेकिन फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत ही फैशनेबल है, क्योंकि इस फ्रेज का यूज आप उनके लिए कर सकते हैं जो काफी ज्यादा फैशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स उनका जो ड्रेसअप होता है वो काफी ज्यादा फैशन के अकॉर्डिंग होता है, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं यू आर ट्रेंडी।
तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेज बताने से पहले आपसे ये कहना है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी नेहा बी पावरफुल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा गर्ल से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स का है, इसलिए इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर वही कॉम्प्लीमेंट्स कवर किए हैं जो गर्ल्स के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स इस वीडियो में हैं जिन्हें हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक जहाँ पर आपको ये भाई साहब ड्रम बजाते हुए साइड में दिख जाएंगे, आप समझ जाइएगा कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्स पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाकर आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ये है कि कभी कभी हमें किसी की पोस्ट या फोटो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं तारीफ में। तो फ्रेंड्स, आप उस सेंस में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे माय वर्ड्स आर लेस टू पोर्ट्रे दिस पिक्चर, यानी मेरे शब्द ही कम पड़ गए इस पिक्चर की तारीफ में। या फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस फ्रेज की जगह सिर्फ स्पीचलेस लिखकर ही काम चला सकते हैं। स्पीचलेस का मतलब होता है निशब्द हो जाना। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारा वीडियो यहीं से फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।